रुद्राक्ष एक बीज की तरह ये पेड़ एक खास ऊंचाई पर उगता है। 6500 से लेकर 12000 फीट की ऊंचाई पर रुद्राक्ष हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका बहुत खास स्पंदन होता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर रुद्राक्ष को पकड़ें जिसकी पॉजिटिव प्रकृति है तो ये अपने आप घड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर आप इसे किसी नेगेटिव चीज के ऊपर पकड़ें तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। अगर आप इसे न्यूट्रल चीज के ऊपर पकड़ें तो ये एक पेंडुलम की तरह झूलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या करता है। ये बस पेपर है, ठीक है? आप इस रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी से उल्टी दिशा में, ऐसा कुछ? ठीक है, आपको मुझे बताना होगा ये किस दिशा में जा रहा है। ये किस तरफ है? ये घड़ी की दिशा में है ना? अभी मैंने कोई ऊर्जा ट्रांसफर या ऐसा कुछ नहीं किया है, बस मरोड़ा है। अब देखिए, ये किस तरफ है? तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने आपको बताया कि नहीं। निश्चित ही आपके माता पिता ने आपको बताया होगा। अपने कपड़े अच्छे से घड़ी करके रखने चाहिए, अपना बिस्तर और चादर अच्छे से घड़ी करके रखना चाहिए। यह आपके जीवन में एक अंतर लाता है। इस देश में हमेशा हमें ये बोला गया, सुबह सोकर उठने के बाद अगर आपने अपना बिस्तर अच्छे से घड़ी करके नहीं रखा तब शैतान आएंगे और उसके ऊपर नाचेंगे, प्रेत आएंगे और उसके ऊपर नाचेंगे। और जब आप अगले दिन उस तरह के बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, यह आपके जीवन पर असर डालता है। और ये एक द्वंद्वात्मक तरीका है इसे व्यक्त करने का, और ये सच है। हम जिसे शैतान या प्रेत कहते हैं वो जीवन का नकारात्मक रूप है। हम जिसे दिव्य कहते हैं वो जीवन का सकारात्मक पहलू है। वो जो आपको सहारा देता है, आपको समृद्ध करता है, वो दिव्य है। जो आप पर नकारात्मक असर डालता है वो शैतान है। तो बस ये कागज, अगर आप बस इसे मरोड़ कर रख दें, ये ऊर्जा के नकारात्मक रूप को आकर्षित करता है। अगर आप इसे ठीक से फोल्ड करके रखते हैं ये सकारात्मक हो जाता है। इसीलिए किसी चीज से हर एक चीज तक, घर कैसा होना चाहिए, कहां पर क्या रखना चाहिए, तो मैं नहीं जानता, इन दिनों ये सब खत्म हो रहा है। हम मॉडर्न एस्थेटिक्स को अपना रहे हैं, वरना अगर मेरी दादी यहां होती, हर एक चीज कहां पर क्या होना चाहिए, हर चीज एक खास तरीके से होती। अगर आप घर में जाएं तो शायद आप देखेंगे, अगर आपकी माँ एक पारंपरिक माहौल से आई हैं, अगर आप रसोई में जाएंगे हमेशा नमक और इमली एक साथ रखे होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। क्या आप ये जानते हैं? क्या ऐसा है? ये अभी तक कायम है। हाँ, ये सारी जागरूकता दुर्भाग्य से बस परंपरा बन गई। ये सुंदर है कि ये एक परंपरा बन गई, लेकिन लोगों को जरूरी समझ दिए बिना ऐसा क्यों? बस ऐसे करो, ऐसे करो। कुछ समय बाद कोई आकर कहता है, मैं ऐसे क्यों करूं? मैं इमली अपने सिर पर रखूंगा, नमक कहीं और। ये ऐसे काम नहीं करता है। आप किस तरह से रहते हैं, इन सब चीजों का उस पर कुछ असर पड़ता है। हर चीज कैसे रखी जानी चाहिए, तो ये देखने का विज्ञान है कि मनुष्य अपने उच्चतम स्पंदन तक कैसे काम कर सकता है। इस देश का एक सामान्य किसान भी इसके बारे में जानता है, इसके बारे में जाने बिना। वो बौद्धिक रूप से या चेतना से इस बारे में नहीं जानता, लेकिन वो जानता है कि इसे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि योग की पूरी प्रणाली एक सांस्कृतिक फॉर्मेट में बनाई गई और लोगों को दी गई थी। क्योंकि लोगों ने इस धरती के हर मनुष्य को हर पहलू सिखा पाने की अव्यवहारिकता देख ली थी, तो इसे सांस्कृतिक बना दीजिए और उन पर छोड़ दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि अगली कुछ पीढ़ियों के बाद, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को दांतों को ब्रश करना सिखाती है, वैसे उनके जीवन में योग आ जाए। पहले ऐसा ही होता था, जब अगस्त्य मुनि ने पूरे दक्षिणी उपद्वीप में ये किया था कि हर घर में हर व्यक्ति को ये समझ थी कि इस जीव को उसकी परम संभावना तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, तो इन चीजों के लिए वे जागरूक थे। इस तरह की आसान चीजें, आप में से कई लोग जो 6 महीनों से आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, आप इसे अनुभव कर सकते हैं। आप 2 शर्ट लीजिए, ठीक है?
दोनों धुली हुई साफ शर्ट्स, एक को गोल मोल कीजिए और इसे 3 दिन के लिए रखिए, दूसरी सफाई से फोल्ड करके वहां रखिए। 3 दिन बाद एक को पहनिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इसे महसूस कीजिए, दूसरी को पहनिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, बस देखिए कि कैसा महसूस होता है, वो बहुत अलग होती हैं। तो जीवन में हर पहलू लाया गया। तो आप जिसे इस संस्कृति की तरह देखते हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई ईश्वर नहीं है, इस धरती पर कोई धर्म नहीं है, ये बस एक तरह का विज्ञान है जिसे संस्कृति की तरह प्रवाहित किया गया। कई विकृतियों की वजह से वो विज्ञान पूरी तरह विकृत हो गया। पूरे समाज में इसे फिर से स्थापित करना आसान नहीं होगा। हम इसे कम से कम कुछ लोगों में फिर से स्थापित करना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि वो कभी भविष्य में इसे बाकी लोगों तक ले जा सकेंगे। अगर हम ऐसे 1000 लोग बनाते हैं जो वाकई ग्रहण करें, समझें और उस तरह से रहें, मैं निश्चित ही मानता हूं कि ये 1000 लोग लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। वो लाखों लोग कई लोगों के लिए ये कर सकते हैं और वो कई लोगों को तैयार कर सकते हैं जो इसे ग्रहण करने में सक्षम हों और ये सब किया जा सके।